गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। आप देखिए, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होना है, चैप्टर नंबर 3, उसका नाम है ट्रेनिंग। लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, है ना, उसमें ये पढ़ा था कि जो मैन पावर प्लानिंग है वो किस तरह से की जाती है, किस तरह से एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया जाता है, है ना, एंड आफ्टर इंटरव्यू उनका सिलेक्शन, उनको रिप्लेसमेंट करना, वो सब कुछ हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। आप देखिए, जब सिलेक्शन हो जाता है, उनको प्रॉपर उनको प्लेसमेंट कर दी जाती है, पोस्टिंग दे दी जाती है, तो फिर अब नया एटमॉस्फेयर, जब वो कंपनी के अंदर जाते हैं तो बिल्कुल न्यू एटमॉस्फेयर होता है, है ना। सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो दूसरे के लिए नए होते हैं, तो उनको ज़रूरत होती है किसकी, ट्रेनिंग की। अब ट्रेनिंग क्या है कि ये सिखाना कि हाउ टू डू द वर्क, काम को करना कैसे है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, है ना। एक तो उनके पास नॉलेज होती है, जो एजुकेशन वो गेन करके आए हैं, जैसे सपोज़ अब आप बीकॉम कर रहे हैं, है ना, या एमकॉम कर रहे हैं, या कोई भी स्टडी ले रहे हैं, तो आपको जो नॉलेज मिल रही है वो कैसी है, थ्योरेटिकल, लेकिन उसको हम प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे को सीखने को मिलती हैं, है ना। तो उसी तरह से जो ट्रेनिंग है ये भी हमारे को ये सिखाती है कि हाउ टू डू द वर्क, और ये हमारी नॉलेज को एनहांस करती है, बढ़ाती है। मतलब जितनी नॉलेज आपके पास है वो तो है ही थ्योरेटिकल नॉलेज, लेकिन उसको आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो सिखाता है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग का वो क्या है, इज़ टू गाइड एंड डायरेक्ट द एम्प्लॉय, मतलब हाउ टू डू द वर्क उसके बारे में उनको गाइड करना, सो एज टू अनेबल दैम टू डू देन डू एफिशिएंटली, कि वो उनको काम को करें और कैसे करें, एफिशिएंटली करें। तो जो ट्रेनिंग है वो वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को बढ़ाती है और उनकी जो मेंटल मेकअप है उसको वो डेवलप करती है, है ना, एम्प्लॉयज़ की, ताकि वो काम को अच्छे तरीके से करें और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे निकलें, पॉजिटिव निकलें। तो जो ट्रेनिंग है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और कंपनी में जब भी आप एंटर करते हैं, मतलब किसी भी काम को लेकर, तो आपको जो है वो टेक्निकल ट्रेनिंग, टेक्निकल वर्क के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो देखो, जैसे फर्स्ट लाइन में इंट्रोडक्शन में दिया है, ट्रेनिंग इज़ द फंडामेंटल स्टोन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना। तो जो प्रॉपर रिक्रूटमेंट की जाती है, सिलेक्शन की जाती है, वो सफिशिएंट नहीं है। हर एम्प्लॉय को कंपनी के एटमॉस्फेयर के बारे में बताना पड़ता है, या हाउ टू डू द वर्क उसके बारे में बताना पड़ता है। आप देखिए मीनिंग, कि ट्रेनिंग इज़ दैट प्रोसेस बाय विच द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़ इंक्रीजेस, कि जिससे जो है वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है। एंड ट्रेनिंग इज़ अ स्पेसिफाइड नॉलेज विच इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब, कि ये क्या है, एक नॉलेज है, स्पेसिफाइड नॉलेज है, स्पेशल फील्ड में, है ना, जो आपके काम को आपको एक्सपर्ट बनाती है, कोई स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए आपको एफिशिएंट बनाती है, है ना। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर बाय विच पीपल एनहांस देयर नॉलेज और स्किल, अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, अपने स्किल को बढ़ाते हैं फॉर अ डेफिनेट पर्पस, कि जो मेन पर्पस है कि काम को अच्छे तरीके से करना, रिजल्ट्स जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट लाना, उस पर्पस के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अब देखिए, टू टर्म्स आती हैं, एक होता है ट्रेनिंग और एक होता है डेवलपमेंट, है ना, एक दूसरे के सिनोनियम लगते हैं लेकिन ये है नहीं, दोनों अलग अलग हैं। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। ट्रेनिंग जो होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जैसे आप कंपनी के अंदर गए, नई कंपनी में गए, आपको एक दिन, दो दिन या मैक्सिमम एक महीना आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, और उस ट्रेनिंग से आप कुछ सीख कर फिर अपने आप एफर्ट्स उसमें लगाओगे और कोशिश करोगे अपने आप को प्रूव करने की, अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव करने की। और जनरली जो ट्रेनिंग दी जाती है वो टेक्निकल वर्क के लिए दी जाती है, है ना, जैसे किसी मशीन पे काम करना है, कैसे काम करना है, तो टेक्निकल वर्क होता है, जो लो लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर सकें। तो वी कैन से ट्रेनिंग इज़ अ शॉर्ट रन प्रोसेस बाय विच नॉन मैनेजरियल पर्सोनल, टेक्निकल मीन्स जो मैनेजरियल नहीं है, नॉन मैनेजरियल पर्सोनल एक्वायर टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। तो ये तो होता है ट्रेनिंग। अब देखो डेवलपमेंट क्या है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग रन प्रोसेस है, और ये किसको दिया जाता है, मैनेजरियल स्टाफ को, यानी कि डेवलपमेंट जो किया जाता है वो किसका किया जाता है, मैनेजरियल स्टाफ का। तो इट इज़ कंसर्न्ड विद द मैनेजरियल पर्सोनल, जैसे कंपनी के अंदर जितने मैनेजर्स हैं, जनरल मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, है ना, तो जो मैनेजरियल स्टाफ है जिनका काम होता है डिसीजन लेना, पॉलिसी मेकिंग करना, है ना, वो काम, उनको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। उसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, नॉलेज इम्पार्टेड टू मैनेजर्स सो एज टू अनेबल देम टू अचीव देयर नॉर्मल ऑब्जेक्टिव, ताकि उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो उसको अचीव कर सकें।
है ना। तो जनरली जो डेवलपमेंट किया जाता है वो किसका किया जाता है, मैनेजर स्टाफ का। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इनका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहला डिफरेंस यही है कि जो ट्रेनिंग दी जाती है वो नॉन मैनेजरियल स्टाफ को दी जाती है, और जो डेवलपमेंट है वो किसका किया जाता है, मैनेजरियल स्टाफ का। एंड कंटेंट्स ऑब्वियसली ट्रेनिंग में क्या आते हैं, टेक्निकल एंड मैनेजरियल ऑपरेशन, इससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर डेवलपमेंट में थियोरटिकल आता है, थियोरटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट होता है, कॉन्सेप्चुअल आइडियाज़ को लेकर। और पर्पस ट्रेनिंग में एक स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड होता है, जैसे सपोज कोई मशीन है उस पर कैसे काम करना है, ये सिचुएशन है इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ना। जैसे मैनेजरियल ऑपरेशन में तो कोई स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड काम होता है जिसमें आपको एक चीज़ में कोई स्पेशलाइजेशन मिल जाता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो जस्ट आपके नॉलेज को बढ़ाता है, जनरल नॉलेज को बढ़ाता है। टाइम पीरियड इसका शॉर्ट टर्म है ट्रेनिंग का, और डेवलपमेंट का लॉन्ग टर्म है ना। तो ये था डिफरेंस। अब देखिए नेक्स्ट आता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रेनिंग क्यों दी जाती है। तो इससे आप भी वेल अवेयर हो कि क्यों दी जाती है, टू प्रिपेयर द एम्प्लॉयज़ फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, कि ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर कंपनी का अलग एटमोसफेयर है, हर कंपनी का काम करने का तरीका अलग है ना। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बताना कि हाउ टू डू द वर्क, व्हाट इज़ द प्रोसीजर एंड व्हाट आर द गाइडलाइंस, उनके लिए क्या गाइडलाइंस है, क्या इंस्ट्रक्शन है। तो जो सुपरवाइज़र है, जो सुपरिटेंडेंट है, वो उनको अवेयर करता है ताकि वो जो अपने काम को ज़्यादा एफिशिएंसी से कर सके। सेकंड देखिए, टू प्रिवेंट मैन पावर ऑब्सोलेसेंस, कि अगर सपोज़ कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है और जो ओल्ड एम्प्लॉई हैं, जो पहले से लगे हुए हैं, उनको अगर ट्रेनिंग नहीं दी जाती तो वो क्या हो जाते हैं, ऑब्सोलीट। जैसे एसेट्स ऑब्सोलीट हो जाती हैं, अप्रचलित हो जाती हैं, ऐसे ही जो वर्कर्स हैं, अगर वो न्यू टेक्नोलॉजी को नहीं सीखते वर्कर्स या एम्प्लॉयज़, तो वो भी क्या हो जाते हैं, ऑब्सोलीट हो जाते हैं। तो मैन पावर को ऑब्सोलीट होने से रोकने के लिए भी जो ट्रेनिंग है उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, टू इम्प्रूव द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ का ऑब्वियसली अगर आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो आपका मनोबल बढ़ता है ना। ऐसे ही जो एम्प्लॉयज़ हैं, जब उनको नया काम करना आ जाता है तो उनका भी मनोबल बढ़ता है, क्योंकि फिर वो उनके लिए स्कोप भी बढ़ जाता है कि अभी आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको कोई नई टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो गई तो दूसरी कंपनी में भी आप जा सकते हैं, है ना। तो इससे जो है उनका मोरल भी इंक्रीज़ होता है और वो कंपनी के गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ वर्क। ऑब्वियसली जब वो न्यू टेक्नोलॉजी सीखेंगे तो उनकी क्वालिटी वर्क की इम्प्रूव होगी, और जो उनके स्टैंडर्ड हैं, प्री डिटरमाइंड जो स्टैंडर्ड हैं, वो भी पूरे होंगे। टू प्रिपेयर द एम्प्लॉयज़ फॉर हायर लेवल जॉब, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हायर लेवल जॉब के लिए भी प्रिपेयर हो जाते हैं। जैसे बताया कि आप इस कंपनी में न्यू टेक्नोलॉजी सीख गए, उसको ध्यान में रखते हुए किसी हायर लेवल की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना, आगे जा सकते हैं। तो जो मैन पावर है वो चाहती है, मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स है वो चाहते हैं कि अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उनको सिखाया जाए। तो टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं। टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ एम्प्लॉयज़, कि जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग एम्प्लॉय प्रोवाइड करती है, मतलब जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर कोई चलाए जाते हैं इनसाइड या आउटसाइड, जहाँ से भी ट्रेनिंग ले रहे हैं एम्प्लॉयज़, वो एम्प्लॉयज़ की सप्लाई पूरी करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर उनको ट्रेनिंग ना प्रोवाइड की जाए तो स्कार्सिटी आ जाती है ना, कि स्किल्ड एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते, फिर काम करने में दिक्कत आती है। तो जो ट्रेनिंग है उससे उनको स्किल्ड, एफिशिएंट और कैपेबल एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं कंपनी को, जिससे कि वो अच्छे से काम कर सकते हैं। और ऐसे एम्प्लॉयज़ को सुपरविज़न की भी ज़रूरत नहीं है, है ना, जब उनको आप ट्रेंड कर देंगे। अभी देखो ट्रेनिंग के मेथड्स आएंगे कि विद इन द कंपनी या आउटसाइड द कंपनी किस तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, तो जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हैं वो दूसरों को भी सिखा सकते हैं, तो उनको इतने सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही काम करते हैं। इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, कि जो एम्प्लॉय है उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ऑब्वियसली जब आप काम को करना सीख जाएंगे तो वही काम जो पहले आप 8 घंटे में करते थे, हो सकता है वो 2 घंटे में हो जाए काम, है ना। तो अनट्रेंड की बजाय, अनस्किल्ड की बजाय ये काम अच्छे से करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल, कि उनकी जो नॉलेज है वो भी बढ़ती है ना, जो नॉलेज उनके पास पहले से है उसके अंदर भी एनहांसमेंट होती है, और मोरल तो इम्प्रूव होता ही है ना, स्किल भी बढ़ती है। मॉडिफाइंग द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड है उसको भी मॉडिफाई हम कर सकते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एम्प्लॉय है ना, दोनों ही अपने अपनी जगह पर गेन लेते हैं, कि हम कंपनी को बेनिफिट है कि कंपनी का अगर एम्प्लॉय कोई ट्रेनिंग ले रहा है तो उसका बेनिफिट कंपनी को होता है कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है,
है ना, वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ती है और वर्कर के पास अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं कि वो उसको प्रमोशन के चांसेस मिल जाते हैं इन द सेम कंपनी या इन अनदर कंपनी, है ना, किसी में भी। और जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं, मैन, मटेरियल, मनी, है ना, इन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि उनको जो है वो यूज़ करना आ जाता है, तो वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम से कम होता है, एसेट्स का डेप्रिसिएशन कम होता है, एक्सीडेंट्स कम होते हैं, सुपरविज़न की कॉस्ट कम होती है, है ना। तो कंपनी के लिए भी ये बेनिफिट है कि जो रिसोर्सेज हैं उसको बेस्ट उनको यूटिलाइज़ करना आ जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है टू बिल्ड अप अ सेकेंड लाइन ऑफ कॉम्पिटेंट ऑफिसर, कि जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर है उनकी एक जो है वो लाइन खड़ी हो जाती है, लाइन वी कैन से कि उनके पास अल्टरनेट हो जाते हैं, कि अगर एक एम्प्लॉय नहीं आया तो उसकी जगह दूसरा काम कर लेगा, अगर कोई पोस्ट अचानक वैकेंट हो गई तो उसका जो जूनियर है जिसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की हुई है वो उसकी सीट संभाल लेगा, है ना। तो इस तरह की कोई स्कार्सिटी नहीं आती कि कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स नहीं हैं या ट्रेंड एम्प्लॉयज़ नहीं हैं तो काम कैसे चलेगा, तो इसलिए वो सभी एम्प्लॉयज़ को सभी तरह के काम सिखा देते हैं कि एक पर्सन अगर नहीं होगा तो उसकी जो है पोस्ट वो दूसरा पर्सन संभाल लेगा। तो ये था कुछ हमारा कि जो ट्रेनिंग है उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं।